हाथी अपने पांचवें सवाल का जवाब पाने के बाद अपने छठे सवाल का जवाब पाने के लिए मौत की नगरी कोहरान की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं तभी होबो कहता है, मुर्गाबी के अंडे जैसे मोती। हाथी में तो बहुत ही आसान सवाल है, मुर्गाबी से जाकर पूछ लेते हैं। तभी हाथी कहते हैं, अच्छा मुर्गाबी से जाकर पूछ लेते हैं, मुर्गे अंडे देते हैं मोती नहीं। तभी होबो कहता है, तो फिर मोती कौन देता है? मेरा मतलब है ये हमारा छठा सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है, उसके बाद सारी शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी, जिस दुनिया से आए थी उस दुनिया में वापस चली जाएंगी। राजकुमारी सुनैना के भाई के ऊपर से जादू का असर भी खत्म हो जाएगा, वह चलने फिरने लगेगा और तुम जो जैस्मिन के लायक नहीं हो फिर भी उसके साथ हो जाओगे। तभी हाथिम कहते हैं, शुक्रिया सपने अच्छे दिखा लेते हो। तभी होबो कहता है, होबो सिर्फ सपने नहीं दिखाता, सपने को सच करके भी दिखाता है। तुम्हारी तरह यह सिर्फ बाजुओं की ताकत नहीं है, मुझमें दिमाग की ताकत है। तभी हाथिम कहते हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, दरअसल मुझे पिछले कई सालों से एक ऐसे ही शख्स की खोज है जिसके पास दिमाग हो। मेरे पास एक सवाल है, उसका सही जवाब चाहिए। होबो तुम तो जानते हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है। तभी होबो कहता है, हाँ तो दिमाग है ना मेरे पास, पूछो। तभी हाथी पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी? तभी होबो कहता है, अंडा। तभी हाथी कहते हैं, तो फिर मुर्गी कहाँ से आई? होबो कहता है, मुर्गी से। हाथी पूछते हैं, तो फिर मुर्गी कहाँ से आई? होबो कहता है, अंडे से। तभी हाथी कहते हैं, मुर्गी के बिना अंडा कहाँ से आएगा? तभी होबो कहता है, कहाँ से आएगा? तभी हाथिम कहते हैं, यह तो किसी मुर्गी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे पहले अंडा किसी मुर्गी ने दिया था। तभी होबो कहता है, अरे हाँ ये तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन हाथिम मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है? तभी हाथिम कहते हैं, तुम्हारे पास दिमाग है ना, सोचो। लेकिन इस वक्त अंडा और मुर्गी पर दिमाग लगाने की बजाय अगर तुम अपने छठे सवाल के जवाब को हासिल करने में लगाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तभी अचानक उनके सामने कोई बुजुर्ग बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी उनके पास हाथिम जाते हैं। तभी वह कहता है, मुर्गाबी के समान अंडे ढूंढ रहे हो? तभी हाथिम के पूछने पर वह बताता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। तभी हाथिम कहते हैं, तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि हमें वह मोती कहाँ मिलेगा। तभी वह बताता है, मौत की वादी से गुजरना होगा, इस दुनिया को अंधेरे से बचाना होगा और जिंदगी को काली गुफा से ढूंढ कर लाना होगा। शैतानों के साथ खेलना होगा, उन्हें खेल खेल कर हराना होगा, फिर उस सुंदरी की जवानी को उसे लौटाना होगा। तभी अचानक वहाँ एक चील परिंदा अपने पंजों में अंडे फंसाकर उड़ता हुआ आ रहा होता है। तभी हाथिम और होबो उसका पीछा करते हैं। तभी अचानक वह परिंदा अंडे को हाथिम और होबो के ऊपर फेंक देता है। उस अंडे के फूटते ही हाथिम के चारों तरफ एक तूफान सा पैदा हो जाता है। तभी देखते देखते वह तूफान उन्हें उड़ाकर किसी अनजान सी जगह पर ले जाकर पटक देता है। वही दूसरी तरफ जब फाल में नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह आपने कितनी आसानी से हाथिम और होबो को मौत की नगरी कोहराम में पहुंचा दिया। तभी दज्जाल कहता है, नजूमी हाथिम मौत की नगरी कोहराम से जिंदा वापस कभी नहीं लौट कर आ पाएगा और ना ही मेरे छठे सवाल का जवाब हासिल कर पाएगा। तभी अचानक हाथिम और होबो के सामने किसी महल का दरवाजा दिखाई देता है। तभी हाथिम जैसे ही उसके अंदर जाते हैं वैसे ही उनके सामने कोई आती है और वह कहती है, कोहराम के बादशाह को कोहराम में स्वागत है। और वह कहती है, आज के दिन जो भी हमारे सल्तनत कोहराम में अपना कदम रखता है वह यहाँ का बादशाह खुद मुखुद बन जाता है। उसके बाद होबो को महल में ले जाया जाता है। उसके बाद होबो सिंहासन पर बैठता है। तभी हाथिम के देखने पर पता चल रहा था कि वहाँ के लोग इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे, वे नाराज दिख रहे थे। उसके बाद होबो को बादशाह का ताज पहनाया जाता है और होबो को वहाँ का बादशाह बनाया जाता है। उसके बाद हाथिम और होबो को उनके आराम कक्ष में ले जाया जाता है। तभी हाथिम उस औरत से पूछते हैं कि जब मलिका और आलिम होबो को ताज पहना रहे थे तो सारे दरबारी खामोश क्यों थे? लेकिन वह हाथिम को ज्यादा कुछ नहीं बताती और इतना कहकर चली जाती है कि आपके सवालों का जवाब कुछ ही दिनों में आपको खुद खुद मिल जाएगा। उसके बाद वह बाहर जाकर एक ही बात कह रही थी, अब शैतान कहरबान आजाद हो जाएगा, अब शैतान कहरबान आजाद हो जाएगा। और यही बातें उस सैनिक कहकर चिल्ला रहे होते हैं और हाथिम ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी हाथिम होबो को बुलाकर दिखाते हैं कि वह देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी होबो वहाँ जैसे जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी होबो कहता है, तुम्हें हो किया गया है हाथिम, लगता है तुम मेरे इस ताज की वजह से तुम मुझसे जल रहे हो, तो ठीक है मैं इस ताज को ही निकाल देता हूँ। तभी होबो उस ताज को जैसे ही निकालने वाले होते हैं कि वह ताज नहीं निकलता। तभी हाथिम भी उस ताज को निकालने की कोशिश करते हैं
लेकिन वह ताज नहीं निकलता। तभी अचानक वहाँ शैतान कुहरबान प्रकट होता है। तभी होबो कहते हैं, ये सब क्या है हाथी? तभी वह शैतान कहरबान कहता है, मैं बताता हूँ, यह जश्न तुम्हारे आने वाली मौत के लिए मनाया जा रहा है। तभी हाथी पूछते हैं कि कौन हो तुम? तभी वह बताता है, सल्तनत कोहरान पर बैठने वाला हर बादशाहों की मौत, मेरा नाम कहरबान है। और कहता है, शहजादे यमन, बादशाह होबो के सर पर यह ताज तभी निकलेगा जब बादशाह होबो अपना दम तोड़ देंगे। इस राज तख्त पर बैठने वाला हर बादशाह मरने के लिए बैठता है और तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 7 दिनों का फासला है। 7वें दिन तुम्हें मरना होगा बादशाह होबो, और फिर उसके बाद मैं सल्तनत का बेताज बादशाह बन जाऊंगा। उसके बाद शैतान कहरबान वहां से चला जाता है। वह दूसरी तरफ दज्जाल कहता है, ये अंधेरी दुनिया के बादशाहों के बादशाह, ये शैतानों के शैतान, तुम्हारी दी हुई ताकतों से मैंने होबो और हाथी को मौत के शिकंजे में कस दिया है। अब हाथी किसी भी सवाल का जवाब हासिल नहीं कर पाएगा और मैं अपनी खोई हुई ताकत फिर से हासिल कर लूँगा। उसके बाद सारी दुनिया में शैतानी हुकूमत होगी। उसके बाद सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिटा दूंगा। और कहता है, ऐ शैतानों के बादशाह, तुम खुश हो ना? वही दूसरी तरफ कोहरवान में किसी की जोरदार हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हाथी कहते हैं, यह किसकी हंसने की आवाज़ है? तभी जालिम बताते हैं, यह शैतान की आवाज़ है, क्योंकि कहरबान आज़ाद होने वाला है। और जब कहरबान के सिंहासन पर बैठने वाला तख्त 7वें दिन मर जाता है, तभी होबो कहता है, इसका मतलब मैं मर जाऊंगा? तभी हाथिम कहते हैं, आलिम, आप तो ये सब जानते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं? तभी वो लोग बताते हैं, हम ये पाप करते नहीं, हमसे ये पाप करवाया जाता है। और हाथिम को बताया जाता है कि यह उन दिनों की बात है जब कोहरबान का बादशाह अस्कन की हुकूमत थी। बादशाह अस्कन बहादुर तो थे ही, बल्कि वे अपने रियासत का बहुत ही ख्याल रखते थे। आसपास की सारी सल्तनत पंचसूल की वजह से उनसे डरती थी। तभी हाथिम के पूछने पर मलिका बताती हैं, बहुत समय पहले सल्तनत कोहरान की नींव रखी गई थी, तब शैतान का डर चारों तरफ फैला हुआ था। उस वक्त ऊपर वाले ने खुद पंचसूल हथियार को एक नए बादशाह को दिया था ताकि वे शैतानों का विनाश कर सकें। उस दिन बादशाह अस्कन पंचसूल की इबादत में मसलूम थे। तभी वहाँ शैतान कहरबान और अपनी साथी के साथ आता है और वह पंचसूल की मांग करने लगता है, लेकिन बादशाह उसे पंचसूल देने से मना कर देते हैं। तभी उसने हमारे सैनिकों पर हमला करके पंचसूल को हासिल करने के मकसद से बादशाह को भी बंदी बना लेता है, क्योंकि जो भी यहाँ का बादशाह होता है पंचसूल उसी के पास होता है। लेकिन पंचसूल की शक्तियों की मदद से सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं और वह शैतान कैद हो जाता है। उसके बाद कहरबान तभी आज़ाद हो पाएगा जब हमारे सल्तनत में 100 बादशाहों की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वह इस सल्तनत के हर बादशाह को 7 दिनों के बाद खत्म कर देता है। और आलिम बताते हैं, इसी वजह से बादशाह अस्कन की भी मौत 7 दिनों के बाद हो गई थी। बादशाह अस्कन के बाद उनके शहजादे को बादशाह बनाया गया और वह भी सिर्फ 7 दिनों तक ही राज कर पाए। उसके बाद मलिका बताती हैं, उसके बाद हमारे खानदान में जितने भी बादशाह बने सब 7 दिनों के बाद मर गए। उसके बाद उस शैतान की साथी जाने जहान अपनी शक्तियों की मदद से हमें कठपुतली बना दिया और वह जो कहती वह हम करते हैं। तभी होबो कहता है, इसका मतलब मुझे यहाँ का बादशाह बनाना जाने जहान की कोई चाल थी? और वे लोग बताते हैं कि 99 बादशाह मर चुके हैं और होबो तुम 100वें बादशाह हो। तभी हातिम कहते हैं, इससे बचने का तो कोई तरीका होगा? तभी आलिम उन्हें बताते हैं कि वह देखो शहजादे हातिम, वह है पंचसूल। अगर कहरबान इस बार आज़ाद हो गया तो वह इस संतरत के तख्त पर बैठेगा और दुनिया भर में शैतानी ताकतों को मजबूत करने के लिए दज्जाल की मदद करेगा। तभी हाथी उस पंचसूल को कहरबान से बचाने के लिए उस पंचसूल को अपने हाथों में लेते हैं, क्योंकि उस पंचसूल से ही कहरबान को मारा जा सकता था। तभी आलिम बताते हैं, यह पंचसूल अभी पूरा नहीं है हाथिम, इसके 5 सूलों में से इसके 3 सूलों की शक्तियाँ अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई हैं। कहरबान को खत्म करने के लिए तुम्हें उन शक्तियों को इकट्ठा करना होगा, वह भी 7 दिनों के अंदर, नहीं तो तुम्हारा दोस्त होबो मारा जाएगा। वही दूसरी तरफ कहरबान जाने जान को बुलाता है और कहता है, तुम हमारी मदद कर क्यों नहीं रही हो? तभी जाने जान कहती है, कहरबान, हाथिम जो समझ रहा है वह मैं होने नहीं दूंगी। 7 दिनों के अंदर अंदर पंचसूल से उसी 3 शक्तियों को हासिल करना चाहता है वो, लेकिन वह ये नहीं जानता कि जाने जहान उसे ये कभी भी शक्तियाँ हासिल करने नहीं देगी। वही दूसरी तरफ हाथिम पंचसूल की 3 शक्तियाँ हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ हाथिम के अपने सफर पर आगे बढ़ने के बाद महल में कहरबान और जाने जहाँ आती है। उसके बाद मलिका और आलिमा को कैद कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ हाथिम अपना सफर तय करने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर हाथों को हिलाते डुलाते बहुत सारे मूर्तियाँ होती हैं। तभी होबो कहता है, हाथिम,
हवा में तुम लटकते हुए इन मूर्तियों को देख रहे हो ना? ऐसा लग रहा है ये अपने हाथों का इशारा करके हमें अपनी ओर बुला रही हैं। तभी हातिम कहते हैं, लगता है ये कोरबान से बाहर निकलने का रास्ता है। इन मूर्तियों के हाथों से होते हुए हम उस पार जा सकते हैं। उसके बाद हातिम एक एक करके सारी मूर्तियों को पार करते हैं। कई मूर्तियों को पार करने के बाद तभी अचानक वे मूर्तियां हिलना बंद हो जाती हैं और देखते देखते बाकी मूर्तियां वहां से गायब हो जाती हैं। तभी वह मूर्तियां कहती हैं, अब तुम फंस गए हो हातिम, पंसूल की उन तीन ताकतों तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। अब हातिम के पास एक ही चारा था कि हातिम उस खाई में कूद जाएं। उसके बाद हातिम और होबो काफी समय सोचने के बाद फैसला करते हैं। उसके बाद हातिम और होबो जैसे ही खाई के नीचे कूदने वाले होते हैं, वैसे ही वह मूर्ति बोलती है, ठहरो, तुम्हें नीचे कूदने की कोई जरूरत नहीं। तुम नहीं जानते हातिम, आज तूने नेकी और अच्छाई की एक और इम्तिहान में सफल हो गए। तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो हातिम। मुझे श्राप था जब दो ऐसे इंसान इस पुल से गुजरेंगे जो नेकी और भलाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी जान की बाजी लगा देंगे तो मुझे अपने श्रापित जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। और वह कहता है, आज मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। बोलो हातिम, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तभी हातिम के कहने पर वह पंचशील की तीन ताकतों को हासिल करने के लिए हातिम को मेहताब और सौरभ से मिलाने के लिए सुनहरे नदी के रास्ते की तरफ ले जाता है। उन्हें सुनहरे नदी के रास्ते पर पहुंचाकर वह मूर्ति वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हातिम काफी समय तक आगे सफर बढ़ाते हैं। तभी अचानक उनके सामने कोई बुजुर्ग इंसान आता है, जो कि वह बुजुर्ग इंसान वही था जो उन्हें पहले मिला था। तभी होबो के पूछने पर वह बताता है कि वह सुनहरी नदी इसी जंगल में है, लेकिन इस घने जंगल में वह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तभी वह हातिम की मदद करते हुए उन्हें एक जादुई पुतला सोहरूस देता है जो हातिम की मदद करेगा सुनहरे नदी तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सोहरूस को रातों का बादशाह जिम्बारो से उसे खतरा होता है। वहीं दूसरी तरफ रातों का बादशाह जिम्बारा अपने गुफा में बैठा होता है। तभी वहां उसके दो गुलाम आते हैं। तभी वह उनसे पूछता है, शहजादी मुस्कान कहाँ है? तभी वह दोनों बताते हैं, हमने बहुत कोशिश की मगर हम उसे नहीं ला सके, क्योंकि वह शहजादी मुस्कान के जरिए अपनी और ताकत बढ़ाना चाहता है। उसके बाद उन दोनों गुलामों को उन्हें एक और मौका दिया जाता है शहजादी मुस्कान को वहां लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शहजादी मुस्कान होती हैं।